सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन मार्वल की ओरिजिन के बारे में कि एमसीयू में हमें कैप्टन मार्वल की ओरिजिन कैसे देखने मिलने वाली है, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस बात को कंफर्म किया है खुद केविन फ्लैगी ने। केविन ने ये बता दिया है कि उन्होंने कैप्टन मार्वल की फिल्म में कैप्टन मार्वल की ओरिजिन कॉमिक बुक से बिल्कुल अलग बनाई है। वो बात अलग है कि उनके पास इस फिल्म में स्कल्स है, निक फ्यूरी है जिनकी दोनों आंखें सही सलामत है, और कैरोल डेविस भी है। और बात की जाए इस फिल्म के सूट के बारे में, तो आप लोगों ने सेट पर ये देखा है कि इस फिल्म में कैप्टन मार्वल का सूट ग्रीन है। वेल, उसकी भी डिटेल आपको फिल्म देखने के बाद पता चल जाएगी। और फिलहाल तो इस फिल्म पर काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है, लेकिन केविन की तरफ से कंफर्म ये नहीं किया गया है कि इस फिल्म का हमें टीजर कब देखने मिलेगा। लेकिन फिर भी रूमर के हिसाब से शायद हमें इस फिल्म का टीजर एंटमैन एंड द वास्प फिल्म के साथ या फिर सैन डिएगो की कॉमिक कॉन में देखने मिल सकता है। और अभी के ही इंटरव्यू में केविन ने ये भी कंफर्म किया था कि शायद हमें कैप्टन मार्वल का टीजर एक महीने बाद देखने मिल जाए। और वहीं बात करें सैन डिएगो के कॉमिक कॉन के इवेंट के बारे में, तो वो कॉमिक कॉन का इवेंट भी नेक्स्ट मंथ ही है और एंटमैन एंड द वास्प फिल्म भी नेक्स्ट मंथ ही रिलीज होगी, तो ये चीजें शायद कहीं ना कहीं मैच होती है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।